नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन लखनऊ से दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सीएम योगी के दो दिवसीय दौरे ने बीजेपी समेत विपक्षी दलों के नेताओं की सांसें फुला दी हैं। सीएम योगी की पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद चर्चा तेज हो गई कि योगी के वापस लौटते ही लगभग आधा दर्जन नेताओं को मंत्री पद पर बिठाया जा सकता है। बता दें कि ये 2022 की तैयारियों की एक बानगी भर है। तो आज चर्चा इसी पर लेंगे कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की ये जो सियासी सरगर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, तो दिल्ली के जरिए ही क्या निर्णय लिया जा रहा है यूपी का, और क्या कुछ निर्णय लिए गए, इस पर भी चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। लेकिन उससे पहले नजर डालिए हमारी इस खास रिपोर्ट पर। सियासी अटकलों के बीच दिल्ली में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सात लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शुरू हुई अटकलों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट एवं मार्गदर्शन प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली स्थित भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर उनसे मुलाकात की। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हो चुकी है। इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद नड्डा ने पीएम मोदी से भेंट की थी। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ये मुलाकातें उसी सिलसिले में चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इन मुलाकातों में योगी कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की राज्य सरकार की कोशिशों पर बात करेंगे। इसके अलावा इन मुलाकातों में यूपी में 2022 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की संभावना है। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। अमित शाह ने उन्हें सबको साथ और विश्वास में लेकर बढ़ाने की राय दी। सूत्रों का कहना है कि शाह की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव के समीकरण, इस लिहाज से नए साथी दलों और प्रभावी चेहरों की तलाश पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात में भी इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा की संभावना है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के साथ ही राज्य में बहुत जल्द छोटा मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। इसकी अटकलें भी तेज हो गई हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव में उतरने से पहले ही केंद्र में भी बहुप्रत्याशित कैबिनेट विस्तार हो सकता है। बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचने के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति फिलहाल गर्मा गई है। डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। तो दिल्ली का राजनीतिक तापमान काफी ज्यादा गर्म हो गया है। दो दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से ही रास्ता निकलता है दिल्ली के चुनाव तक का, तो दिल्ली का चुनाव को लेकर भी जो दिल्ली की गद्दी तक का जो सफर है वो उत्तर प्रदेश में बहुत अहम माना जाता है। उसको लेकर 2022 के जिस तरह से चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ये तैयारियां जोरों पर है कि किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई भी गलती ना हो। मैं बता दें कि सरकार इन दिनों दिल्ली में मकसद तलाशने की कोशिश कर रही है। वहीं कहीं ना कहीं ये तमाम जो बैठकें हो रही हैं उसके पीछे का मकसद क्या है, ये भी एक बड़ा प्रश्न बन जाता है। जिस तरह से लगातार पहले अमित शाह, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर जेपी नड्डा से मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं भी जोरों शोरों से तेज पकड़ रही हैं, और उसके साथ ही संगठन में बदलाव होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो बड़े स्तर पर बदलाव होने की संभावना सामने आ रही है।
तो गृह मंत्री से डेढ़ घंटे बैठक, फिर अनुप्रिया पटेल से भी मुलाकात की। हालांकि तस्वीरें जो थी वो अलग अलग पोस्ट की गई, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई कि तीनों की साथ में ही मीटिंग हुई और इस पर कई बातों को लेकर चर्चा की गई है। तो कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल भी इस वक्त बीजेपी में, उनको भी लेने की कवायद जोरों पर, इसको लेकर भी कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। तो अब यूपी की सियासत में दिल्ली का अहम रोल जो आ रहा है सामने, इसके पीछे का मकसद क्या है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस हमारी प्राइम डिबेट में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीएचपी नेत्री शबनम पांडे जी, सपा नेता शौकत अली हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शबनम जी, सबसे पहले तो मैं आप पर आना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी क्या कुछ चल रहा है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हैं, संगठन में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का ये जो समीकरण बैठाया जा रहा है राजनीतिक, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए तेजी, एक बात तो साफ है कि दिल्ली हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, चाहे वो किसी भी दल के लिए रहा हो। जितने भी जो कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, और भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रीय दल है, इनका केंद्र बिंदु हमेशा ही दिल्ली रही है, क्योंकि दिल्ली में पार्टी के नेतृत्व होते हैं वो रहते हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से दिल्ली गए हैं, इस उनके दौरे का शुद्ध रूप से मकसद सरकार के किए गए कार्यों को बताना और कोरोना काल में किस तरीके से व्यवस्था की गई और कोरोना संक्रमण अब किस हद तक कंट्रोल किया गया है उसके बारे में बताना, अपने मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल के मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों को बताना। साथ साथ वो जब जेपी नड्डा जी से मिलते हैं तो निश्चित तौर पे वो संगठन के की भी चर्चा होती है, क्योंकि उससे पहले वो संगठन के उत्तर प्रदेश संगठन के अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी से मिलते हैं और बंसल जी के साथ बैठक करते हैं, तो संगठन की भी चर्चा वहाँ पे होती है, क्योंकि अब चुनाव बहुत करीब आ चुका है तो निश्चित तौर पर चुनावी चर्चा भी होती ही है। तो मुझे लगता है कि किसी तरीके की जो अटकलें चारों तरफ उत्तर प्रदेश में फैली पड़ी है कि मुख्यमंत्री में बदलाव होगा और मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी चर्चा संगठन के अंदर नहीं चल रही है। जी, आपने जिस तरह से कहा शबनम जी कि कहीं ना कहीं ये आप कह रही है कि रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है, लेकिन जिस ओर से हम देख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो आपको क्या लगता है ये जो बातें हैं किस पर भरोसा किया जाए इन दोनों बातों में से? देखिए, इस बात को हम आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल का संगठन जो है वो चुनाव लड़ाता है, और अगर उसी राजनीतिक पार्टी की सरकार भी है तो निश्चित तौर पे सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो भी चुनाव में जब आते हैं तो उनका भी वही रोल होता है। तो दोनों ही शीर्षस्थ नेता हैं उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन और सरकार के, तो उन दोनों के ही नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे और तमाम हमारे वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता साथ में चुनाव में रहेंगे। तो इस पर कोई शंका की बात नहीं है कि स्वतंत्र देव जी के साथ होंगे, कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ होंगे। तो कुछ और ही बयां कर रही है, नहीं, ये आपको लगता है, लेकिन सब कुछ बहुत ही सामान्य तौर पे चल रहा है। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो या राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमेशा वहाँ लगातार किसी न किसी मुद्दे पे कार्य चलता रहता है संगठन में, और संगठन की समीक्षा, संगठन के कार्यों की समीक्षा, और जहाँ हमारी सरकार है उस सरकार के कार्यों की समीक्षा, और कैसे उसको बेहतरी उसमें की जाए, कि कैसे लोगों को जोड़ा जाए, कैसे हम अपने संगठन के बृहद रूप को सुचारू रूप से जनता के सेवा में लगाएं, इस पर लगातार चर्चा चलती है। और चुनाव आया तो विशेषकर इस पर ध्यान देना पार्टी का कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हर राजनीति, बिल्कुल शबनम जी, लेकिन विधायकों की नाराजगी, मंत्रिपरिषद सदस्यों की नाराजगी तो साफ तौर पर नजर ऊपर आ ही रही है कि किस तरह से विधायक इस वक्त नाराज है, संगठन में जो नाराजगी चल रही है।
देखिए, ये विधायकों की नाराजगी का जो अफवाह है, ये कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने मन की भड़ास निकालने के लिए कहा, क्योंकि अब हमारी पार्टी में सब कुछ सामान्य चल रहा है। जिस रमन जी, वक्त आप ही के उनकी विधायक ने नाराजगी थी सीबीआई उनके, जांच की मांग की है हाई कोर्ट में, आप ही के सरकार के खिलाफ, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए, हमारी पार्टी के जो भी विधायक नाराज जिस वक्त थे, जब विधानसभा में वो केस हुआ था, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निदान किया गया। और जहां पार्टी का रूप इतना बड़ा हो, वहां पे तमाम विधायक हैं, तमाम लोग हैं, सबकी अपनी आकांक्षाएं हैं, सबकी आशाएं हैं, और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव होता है, लेकिन उनकी बात सुनी जाती है और उस पर हमारा संगठन या हमारी सरकार दोनों ही बारीकी से काम करती आ तो रही है। बिल्कुल इसी को तो लेकर चर्चा है कि दिल्ली से ही क्या तय हो रहा है कि इस बार भी वहां से ही सब तय किया जाएगा, इसीलिए वहां पर दौरे लगातार हो रहे हैं। बीएल संतोष पहले यहां से आकर रिपोर्ट कार्ड पेश करने वहां पर गए, उसके बाद फिर अब सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं अमित शाह से, उनके साथ लगातार। देखिए कीर्ति जी, एक बात मैं साफ बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने जिस तरीके से कहा कैडर बेस्ड पार्टी है, तो इसमें पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर मुद्दे पर चर्चा होती है, हर स्तर पर चर्चा होती है, जो भी मुद्दे होते हैं उस पे। तो निश्चित तौर पे दिल्ली में हमारे सशस्त्र नेता हैं और सरकार के भी प्रमुख प्रधानमंत्री वहां हैं, तो उनसे मुख्यमंत्री जी मिलने गए, और संगठन के भी प्रमुख जेपी नड्डा जी वहां पे हैं, तो उनसे भी मिलेंगे। और गृह मंत्री जी लगातार भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से बहुत ही ऐतिहासिक तौर पे संगठन का कार्य देखते रहे हैं और सरकार का काम देखते रहे हैं, तो उनसे भी शिष्टाचार भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री जी गए थे। यहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी से भी मुलाकात की गई है। तो ये सारी मुलाकात एक शिष्टाचार भेंट भी है और साथ साथ संगठन और शिष्टाचार सरकार के भेंट, कामों को चलिए ठीक है। लेकर शौकत अली जी, क्या लगता है चर्चा। आपको, जिस तरह से शबनम जी कह रही है कि एक शिष्टाचार भेंट है, लगता है कहीं से आपको कि ये शिष्टाचार भेंट है और सिर्फ इसी को मान लेना, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर किसी और ही चीज की लड़ाई चल रही है, कि एक तरह हम कह ले पावर की लड़ाई यहाँ पर कहीं ना कहीं उजागर हो रही है, या फिर दिल्ली और लखनऊ की दरबार की लड़ाई हो रही है, या फिर हम कह ले नेताओं की, दो बड़े नेताओं की लड़ाई। देखिए कीर्ति जी, जब से पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया है, जी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में बड़ी लड़ाई चालू हो गई। हर आदमी अपने कद की लड़ाई लड़ रहा है, इसीलिए बार बार दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव हुआ, अभी पूनम जी कह रही थी कि वहां रिपोर्ट कार्ड दिखाने गए, हम लोगों ने जो कार्य किया वो रिपोर्ट कार्ड केंद्र नेतृत्व को दिखाने गए। रिपोर्ट कार्ड की जरूरत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में दे, उत्तर प्रदेश की जनता को दिखावे, ना कि केंद्रीय नेतृत्व को। भाई आप जनता के लिए काम कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के लिए काम कर रहे हैं? समझने वाली बात तो ये कि आप उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का काम करिए। विडंबना ये है कीर्ति जी कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खलबली है और हर आदमी अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले कीर्ति जी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड बनाया गया, कहा गया कि जनता से फीडबैक लिया जाएगा और जिन विधायकों ने काम किया होगा उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। ऐसी भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई, उस रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व के सामने पेश करेगी? आपने काम जनता के लिए किया और जनता के सामने आपको रिपोर्ट कार्ड देना है, लेकिन सत्यता यह है कीर्ति जी कि इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। आज जनता को जब जरूरत है, जनता को स्वास्थ्य व्यवस्था की जरूरत है, जनता को तमाम सुविधाओं की जरूरत है, उसका रिपोर्ट कार्ड ना देकर, जनता को ना बताकर, जनता को सहूलियत ना देकर आप केंद्रीय नेतृत्व के चक्कर काटने का काम कर रहे हैं, दिल्ली जाने का काम कर रहे हैं। आज जब उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, तब जाकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी को एक समाधान बुक देते हैं। अरे समाधान निकालना है तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए निकालिए, यहाँ समाधान ढूंढिए, यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनके लिए अच्छी समाधान व्यवस्था निकालिए, जो बेरोजगार उनके लिए समाधान ढूंढिए, जो रोजगार गिर गया उसके लिए समाधान ढूंढिए। समाधान इस बात का नहीं ढूंढा जा रहा है कीर्ति जी, आपको कीर्ति तो खुश हो जाना चाहिए ना फिर कीर्ति तो। जी सुन लीजिए, सुन लीजिए कीर्ति जी, समाधान जी इस बात का नहीं निकाला जा रहा कि जनता को कैसे राहत दी जाए, कोरोना काल में तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उनको कैसे राहत दी जाए, इस बात का समाधान नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन समाधान इस बात का जरूर निकाला जा रहा है कि अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए, इस बात का समाधान निकालने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम नेता दिल्ली चक्कर काट रहे हैं।
जी आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि बीजेपी तो अपने ही खेमे में लड़ाई लड़ रही है, अपने ही विधायकों की नाराजगी झेल रही है, तो आपके लिए तो और भी आसान हो जाता है ना। कीर्ति जी किस बात के लिए खुशी हो जाए, किस बात के लिए खुश हो जाए, इस बात के लिए खुश हो जाए कि उत्तर प्रदेश की जनता को आपने एक गड्ढे में लाके गिरा दिया, इसलिए समाजवादी पार्टी खुश हो जाए। अरे ये दुख की बात है हमारे लिए कि जिस मुख्यमंत्री पर उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास करके उनको कुर्सी पर बिठाने का काम किया और वो मुख्यमंत्री आज दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जूझ रही है, उस पर ध्यान न देकर आप अपनी कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं। ये खुशी की बात नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, ये दुख की बात है कि जिस उत्तर प्रदेश की जनता ने आप पर विश्वास किया था, आप पर भरोसा जताया था, आप पर विकास के समान दी थी कि आप विकास करेंगे, विश्वास जताया था आप पे, लेकिन आपने उनके विश्वास को तोड़ा है, उनको छलने का काम किया है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप सिर्फ दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का जो बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा खामियाजा हुआ, उसका भुगतान कौन करेगा? जनता आज उत्तर प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछती है। शबनम जी से इसका उत्तर ले लेती हूँ। शबनम जी, शौकत अली जी तो कह रहे बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है, वो तो भारी दुख में है, इस चीज की खुशी भी नहीं मना पा रहे हैं वो तो, कि बीजेपी के अपने ही खेमे में लड़ाई चल रही है, वो तो दुख में है कि उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कुछ आपके कार्यकाल में झेलना पड़ गया। देखिए, शौकत अली जी उस पार्टी से हैं जिस पार्टी की पारिवारिक कलह राजनीतिक मन से लेके सड़क तक दिखा था, और जनता बहुत ही त्रस्त थी इस बात से कि विकास तो किया नहीं लेकिन अपनी पार्टी में पता नहीं किस बात के बंदरबांट के लिए इस तरीके की लड़ाई किया, कभी बेटे और पुत्र में हुआ, कभी चाचा और भतीजे में हुआ, कभी भतीजे और चाचा में हुआ, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दौर से गुजरा था उत्तर प्रदेश। पर इसके ठीक उलट अब तक कोई भी इस तरीके का कलह या राजनीतिक लड़ाई ना सड़क पे दिखती है ना कहीं और दिखता है, लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी बनाकर कहीं ना कहीं ये अपने दिल को सुकून दिलाना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, कर रही है शबनम जी, जो 2017 की परिस्थितियों की आप बात कर रही है, जब सपा के खेमे में इस तरह की नाराजगी चल रही थी तो फायदा आपको हुआ था ना, तो इस बार तो आपके अंदर मनमुटाव चल रहा है। नहीं, हमारे अंदर कहीं मनमुटाव नहीं चल रहा, किसी भी राजनीतिक मंच पे ये लड़ाई नहीं दिखती, कहीं भी सड़क पे नहीं दिखता, ये मनगढ़ंत कहानी है, और मनगढ़ंत कहानी कहीं ना कहीं अपने दिल को समझाने के लिए विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन जनता समझती है, जनता बहुत अच्छी तरीके से हमारे विकास कार्यों को समझ रही है, जनता बहुत अच्छे से हमारे नेतृत्व को समझ रही है। आज उत्तर प्रदेश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो लगातार धरातल पर उतर कर कार्य करते दिखते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं होता जब दो और तीन जिलों में उनके दौरे नहीं हुए करते, जबकि अब तक मुख्यमंत्री चाहे अखिलेश यादव जी हो, मायावती जी हो, एसी कमरे में बैठ के किस तरह से आपके ही विधायक सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं आपके खिलाफ, और किस तरह से कोरोना काल में हमने देखा कितने पत्र ये सामने आए जिसमें आपने भी हामी भरी थी कि हम स्वतंत्रता देते हैं अपने मंत्रियों को कि वो खुलकर बोल सके अगर उन्हें परेशानी हो रही है, तो वो तमाम पत्र चाहे वो कौशल किशोर ने लिखा हो या किसी अन्य नेता ने, वो भी तो याद होगा। तो से नाराजगी मैं गर्व, कीर्ति जी, इस बात पे मैं गर्व करती हूँ कि इस पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी है। हम कांग्रेस पार्टी जैसे नहीं है जहाँ G23 जो नेता थे उनके सलाह देने पे उन्हें कहीं ना कहीं उनको नजरअंदाज किया गया, और आज कांग्रेस पार्टी का हश्र आप देख रहे हैं, लगातार सलाह देने वाले लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है, दूसरी पार्टियों का थामना पड़ रहा है। हमारी पार्टी में अगर कोई कमियां हैं, हमारे सरकार में कोई कमियां हैं, तो निश्चित तौर पे बेहतरी के लिए तमाम नेतागण, तमाम कार्यकर्तागण उसको इंगित कर सकते हैं और सरकार उस पर कार्रवाई भी करती है। चलिए ठीक है शबनम जी, अब हम आते हैं दिलीप जी से, एक बार मैं क्वेश्चन कर लूं पहले कि दिलीप जी आपको क्या लगता है, सत्ता के अहम की लड़ाई है, सत्ता के बंटवारे की या कुर्सी की लड़ाई सबसे अहम हो गई है इस वक्त, इसको लेकर ये जो मंथनों का दौर है, और लगातार हम आपसे इसको लेकर चर्चा भी कर रहे थे और राजनीतिक समीकरण जानने की भी कोशिश कर रहे थे कि यूपी में आकर किस बड़े बदलाव की ओर ये तमाम जो मीटिंग्स है वो इशारा कर रही है। कीर्ति जी, जब हमारे घरों में त्योहार आता है तो हम अपने घर की मरम्मत करने में लग जाते हैं, जो साल भर टूट फूट रही होती है, जो चीजें पुरानी हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं, तो त्योहार के समय हम उन सारी चीजों को रिपेयर कराना शुरू करते हैं, क्योंकि अब हमारे यहाँ मेहमान आएंगे तो घर की ऐसी हालत देख करके वो क्या कहेंगे, हमें अच्छा नहीं मानेंगे। यही स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है। ये जो दिल्ली का दौरा है, ये दिल्ली का दौरा रिपोर्ट कार्ड दिखाने के लिए नहीं है। अगर इतना अच्छा किया होता
तो जनता को और बड़े कमान को रिपोर्ट कार्ड दिखाने की जरूरत होती नहीं, रिपोर्ट कार्ड आपको जनता खुद ही दिखा देती है। और जो पिछले दिनों इस कोरोना काल में जनता ने रिपोर्ट कार्ड दिखाया है उसको देख करके ये दिल्ली का दौरा लग रहा है। और अमित शाह जी अब यहाँ यूपी की कमान संभालना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मोदी जी शायद यहाँ संभाल नहीं पा रहे हैं, यही सत्यता है। और रही बात जो पार्टी के लोग होते हैं, जो पार्टी के कसीदे पढ़ते हैं, उनकी मजबूरी है, उनकी स्थिति उस महिला की तरह होती है जिसका पति नाकारा है, बेकार है, लेकिन रिश्तेदारों के सामने मजबूरी में उसको तारीफ करनी ही करनी है अपने पति की और घर की इज्जत बचाने के लिए। अभी सबना जी कह रही थी कि इनकी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था इनके नेताओं के लिए होगी, जनता के लिए तो नहीं है। जनता पे तो आपने बड़ी FIR कराई, किसी ने मदद मांगी सोशल मीडिया पे तो आपने FIR करा दी, किसी ने किसी की मदद कर दी तो आपने FIR करा दी, किसी ने सरकार को कुछ कह दिया तो आपने FIR करा दी। तो जिनसे असलियत में लोकतंत्र है उनके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं है, नेताओं के लिए होंगी तो होंगी भाई। आपके परिवार का, आपका अंदर का मामला है कि आप मजबूरी में आपके नेता ये बात कह रहे हैं, आप उनको छूट दे रही हैं। और इलेक्शन का जो टाइम आ रहा है ना, अभी जो मंत्रिमंडल में चेंज होने की बात हो रही है जो सुन रहे हैं हम लोग, ये मंत्रिमंडल में चेंज किसी और कारण से नहीं हो रहा है। अब ये जातीय समीकरण बैठा ले जा रहे हैं और ये सबको पता है कि जो पिछड़ा वर्ग है जिसने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश में और उसको बड़ी आशाएं थी, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी को ले लीजिए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर को ले लीजिए, चाहे और किसी को ले लीजिए, लेकिन उनकी आशाएं पूरी नहीं हुई थी और पूरा टेन्योर गुजर गया, पूरा टेन्योर गुजर गया। अब ये मौर्य जी को फिर मनाने में लगे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कोशिश करी थी तो, और उसके बाद उन्हें एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया, तो उनके अंदर भी भारी नाराजगी है। बिल्कुल नाराजगी है कीर्ति, देखिए ना उस नाराजगी का रिजल्ट इनको अभी पंचायत चुनाव में दिख गया। और आप देखिए कि योगी जी के जो गांव के दौरे शुरू हुए वो पंचायत चुनाव आने के बाद शुरू हुए हैं, वो कोरोना की वजह से नहीं शुरू हुए, वो संवेदनशीलता की वजह से नहीं शुरू हुए थे, वो दौरे तब शुरू हुए जब गांव का रिजल्ट खराब आ गया, तब कोरोना के बहाने योगी जी ने खुद जाके कि अब खुद कमान संभाल ली, खुद कमान संभाल ली। जब कोरोना की बातें हो रही थी तब कमान नहीं संभाल पा रहे थे, जब रिजल्ट आ गया तो कमान याद आ गई। तो ये कुल मिलाकर के सारी की सारी कवायद अब 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर के, लेकिन जनता इस बार बेहद नाराज है सबनम जी, ये मैं आपको जनता की बात बता रहा हूँ। अगर आपकी बात, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो जा करके इन्हीं कटु शब्दों में कहिएगा कि जनता आपसे नाराज है, जनता आपको तो दिलीप जी नाराज है, लेकिन विधायक तब पिटीशन फायर कर रहे हैं, मुकदमा दायर कर रहे हैं, तो विधायकों में तो ज्यादा नाराजगी है। पहले तो खुद के ही लोगों से इनको लड़ना है दिलीप जी, उसके बाद तो जनता की तो बाद ही में आती है इन लोग के नजर में, लेकिन पहले लड़ना है। इनके कार्यकर्ता कैसे इनके इनसे खुश रहेंगे जब किसी की कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने घेरा बना दिया है, उनकी तो समस्या रही की अधिकारी ही उनकी नहीं सुनते, जो फ्रंट लाइन पर इस वक्त कार्यरत है वो तो ये सीधे कहते हैं कि उनकी जो भी लोग हैं उनकी सुनी नहीं रहे, अधिकारी उनके है ही नहीं बस में, सुनी जा रही है, यही सत्यता है। किसकी सुनी जा रही है, किसी की नहीं सुनी जाती, इनके मंत्रियों की, इनके विधायकों की नहीं सुनी जाती है। ये दिल की बात बता दें, ये कितने खुश हैं भाजपा में, इनकी नहीं सुनी जाती है, यही सत्यता है। और इस बार चुनाव में इनका कार्यकर्ता भी इनको बताएगा, ये कोई सगुफा छोड़ दें जिससे आदमी का मन प्रभावित हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो वास्तु स्थिति है आज की, कहीं ना कहीं अमित शाह की एंट्री इसीलिए करवाई जा रही है दिलीप जी। कीर्ति जी अगर आज की डेट में आप चुनाव करा लीजिए, मैं लिख के दे सकता हूँ 200% भाजपा हार जाएगी। तभी तो अमित शाह ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है ना, इसीलिए तो कहीं ना कहीं उनको बनाया गया हेड ऑफ कमान, जैसे आपने बताया कि संभालने के लिए वो आ गए उत्तर प्रदेश की कमान और उनके ही नजरिए सब कुछ होगा। कीर्ति जी अब अमित शाह का जादू भी उतर गया, वो एक समय था जब चाह मोदी चला करते थे, इनको चाणक्य कहा जाता था, अब वो चाणक्य से इनके चाणक्य नीति से कोई जनता लुभने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को जो चाहिए जिस समय जरूरत होती है आप उस समय नहीं खड़े हुए, उस समय अमित शाह जी नजर नहीं आए, उन्होंने संवेदना के दो शब्द जनता के लिए नहीं बोले, तो हम आपकी किस चाणक्य नीति से प्रभावित हो जाएंगे, जनता किस चाणक्य नीति से प्रभावित हो जाएगी। आपको जब वोट चाहिए होता है, जब आपकी सरकार बनाने की बात आती है, जब आपके चुनाव आते हैं, तो आप दे रैली पे रैली, दे मीटिंग पे मीटिंग, दे मुलाकात पे मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन जब जनता को आपकी जरूरत होती है तब आप कहीं नजर नहीं आते हैं, आप मीडिया पे भी नजर नहीं आते हैं, कहीं नजर नहीं आते हैं, तब कहा जाता है वो कमरे में बैठ करके काम कर रहे हैं। अरे कौन सा काम कर रहे हैं भाई, बिल्कुल दिलीप जी, ये जरूरी हो जाता है कि चाहिए कि हमारे लिए सरकार काम करे। चलिए इस 6 महीने में भी देख लिया जाएगा कि जनता को मनाने की जद्दोजहद किस हद तक जाती है और किस तरह से आगे बढ़कर, चाहे अमित शाह ही आ जाए लेकिन वो दिल्ली से लखनऊ की कमान किस तरह से संभालते, क्योंकि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से ही होके जाएगा, तो ये तो समझ में आ ही रहा है, इसलिए इतनी तेजी से सुगबुगाहट है।
पंकज जी आपको क्या लगता है किस चीज की लड़ाई है सबसे अहम तो ये और क्या सलूशन निकल के आएगा? देखिए उत्तर प्रदेश 24 करोड़ आबादी वाला राज्य है, इसलिए उस परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण और आगे 2024 में लोकसभा चुनाव आएंगे। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटें उत्तर प्रदेश ही देता है, 80 में से बहुतायत सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके अपनी सरकार बनाती है। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के मतलब लोकसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सांसदों का बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस लिहाज से भी उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब सोशल मीडिया पे तमाम तरह के कयास चले, तमाम तरीके की चीजें फैलाई गई कि योगी जी बदले जा रहे हैं, योगी जी ने कोई काम नहीं किया, केशव प्रसाद जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो वो नाराज है, तमाम इस तरह की चीजें चली, उसके उन सारी चीजों का पटाचेप हो गया। लेकिन आज आप नहीं, आज आप देखिए जितिन कर रहे हैं ना, आज आप देखिए जितिन प्रसाद को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कदावर नेता है और ब्राह्मणों का नेतृत्व ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, उनको बीजेपी में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार 2022 में बनेगी और उन्होंने इस बात को क्लियर किया। तो क्यों आखिर उनको यहाँ आने की, इतने कदावर नेता को आने की क्यों जरूरत पड़ी जबकि वो कांग्रेस तो में ही तो ब्राह्मणों को लगे हुए थे। फिर पंकज जी आप ये भी तो समझेंगे ना कि अपने लोगों पर भरोसा नहीं है कि बाहरी लोगों को तोड़ कर लाने की जरूरत पड़ रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबके लिए द्वार खुले रहते हैं, ये कहना कि जो अभी आप देखिएगा अभी बहुत से लोगों का टिकट कटेगा तो बहुत से लोग सपा का दामन थामेंगे, कोई और बसपा का दामन थामेगा, तो ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति तो आप ये कैसे कह सकती हैं? ये तो सीधी सी बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं उनके मूवमेंट से। देखिए योगी आदित्यनाथ जी एक निहायत ईमानदार और सफल कुशल नेतृत्व के मुख्यमंत्री है, इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जिस तरह से कोरोना काल में वो कोरोना पॉजिटिव हुए उसके बाद निगेटिव हुए और उन्होंने गाँव गाँव जाके जिलों का दौरा करके जनमानस की हालचाल पूछा और तमाम चीजों की व्यवस्था की, चाहे डीआरडीओ के अस्पताल हो, राजनाथ सिंह की मदद से जो माननीय रक्षा मंत्री हैं, हर तरह से उन्होंने जो जितना बन सकता था उन्होंने किया। अब सवाल इस बात का है कि आपदा में एकदम से चीजें आ जाए क्रिटिसाइज करना और कमेंट करना बहुत आसान होता है। और रहा सवाल, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हम आपदा को लाई नहीं रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या अर्जेंसी आ गई क्योंकि ये प्रोग्राम्स पहले से तो डिसाइडेड नहीं थे। एकदम से बीएल संतोष जी का, राधा मोहन जी का दौरा होता है, फिर वो रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, उसके बाद दो दिन के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को जाना पड़ जाता है। आगे 2022 का चुनाव है और अगर मोमेंटम चल रहा है, 2022 का विधानसभा चुनाव है, कार्यकर्ता विधायक बनता है, विधायक से मंत्री बनता है, तो अगर लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो ये खाली मुख्यमंत्री के ऊपर ही ठीकरा फोड़ेंगे तो उससे काम भी नहीं चलेगा। सबको अपने गिरबान में देखना चाहिए, इन चीजों को करना चाहिए कि आपने क्या क्या किया। ऐसा नहीं है कि ये विधायकों ने काम नहीं किया और मंत्रियों ने काम नहीं किया, सब घर में बैठे रहे, ये कहना भी गलत है। लेकिन सवाल यह है कि रिपोर्ट देखिए नहीं किया कि बात हम और 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुमत से सरकार बने और ज्यादा सीटें आए, ये शीर्ष नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है जेपी नड्डा, उनका कृत संकल्प है और उनके कृत संकल्प का ही नतीजा है कि आज देखिए आप आसाम में, आसाम में उन्होंने सरकार बनाई, पांडिचेरी में सरकार बनाई और तीन सीटों से बंगाल में सतहत्तर सीटों। देखिए आज के देश में, आज के परिपेक्ष में कोई भी दल भाजपा के सामने खड़ा नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, और छोटे दलों की बात कर लीजिए तो कोई भी बीजेपी के कंपैरिजन में खड़ा नहीं, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा योगदान, ठीक है, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष के तौर पर अभी सपा को देखा जा रहा है और आप कह रहे कोई खड़ा नहीं है। शौकत अली जी, सपा को देखा जा रहा है लेकिन सपा में एक ही लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ज्यादा तवज्जो देने के कारण भी ये बात दिक्कत होती है। और आज देखिए पटेलों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और पटेल बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ कई वर्षों से जुड़ी भी रही है, कुर्मी कोयरी ये बिरादरी इनके साथ पहले से लगी रही है, उनको प्रतिनिधित्व भी दिया गया जी, और समीकरण जानने की कोशिश तो की जा रही है, जाति समीकरण देखिए आप ये समझ लीजिए हर मंत्रिमंडल में जाति समीकरण साधे जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है वहां पर क्षेत्रीय समीकरण साधे जाते हैं, तो ये तो राजनीति का एक ढर्रा है, उस ढर्रे को कोई बदल नहीं सकता। शौकत अली जी, हमारे साधा जाता है 2022 के नजरिए से वो इस तरह की चीजें कर रही है, समय वो कोई पार्टी जो, नहीं है, जो कैडर बेस हम आप कराएंगे उसका नतीजा आप जान लीजिए, कोई इस तरह से शौकत अली जी से भी कमेंट ले ले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए अभी एक मिनट, आगे आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव का अगले महीने जुलाई में होना है, वो भी सामने आ जाएगा कि क्या सामने है।
ये सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, पंचायत चुनाव हमने अभी देखे, आने वाले भी देख लेंगे, उसी की तैयारियों में शायद तक ये सारी सुगबुगाहट है और जो इतनी जद्दोजहद हो रही है उसी को लेकर हो रही है। पंकज जी, शौकत अली जी, विपक्ष के तौर पर कोई चेहरा नहीं अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में, और बहुमत के साथ फिर बीजेपी आ रही है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं। देखिए, पंकज जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी जानकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। पंकज जी, आप भाजपा की बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हो सकता हो आपको उनकी विचारधारा समझ में आ गई। पंकज जी, जब आप पत्रकारिता करते होंगे तो जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते भी होंगे, जाहिर सी बात है जो भाजपा की योजनाएं आ रही है लगातार उनके बारे में जानते भी। पंकज जी, मुझे वो 5 मेडिकल कॉलेज बताइए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, उत्तर प्रदेश के लोग उसका लाभ पा रहे हो। 5 वो एक्सप्रेसवे बताइए जिसका जनता आज उपयोग कर पा रही हो, 5 वो कॉलेज बताइए जिसका उत्तर प्रदेश की जनता लाभ पा रही हो, 5 वो और तमाम अन्य चीजें बताइए जिसका उपयोग आज उत्तर प्रदेश की जनता तमाम सुखी से पा पा रही हो। महाराज, इस तारीफ करने से कुछ नहीं हो जाता है, आप अच्छी बात है, तारीफ करिए। आगे आने वाला चुनाव ही बताएगा कि कौन पास कौन फेल, जनता जनार्दन होती, जनता ही फैसला करेगी, खाली कह देने से नहीं, ये चीजें समझ लीजिए। और ये बात आज 30 मेडिकल कॉलेज जवाब मैं आपसे भी ले लूंगी। महाराज, हम पत्रकारिता पे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं आपकी, इतना उत्साहित मत होइए महाराज, हम तो सिर्फ सवाल कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप अगर उनकी विचारधारा से प्रेरित हैं अच्छी बात है, बधाई हो आपको, लेकिन हम पूछना जरूर चाहेंगे, आप पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष हो जाइए, मुझे नाम बताइए इन इन जिलों में मेडिकल कॉलेज हमने बना दीजिए, ये बताना तो पड़ेगा ना महाराज, क्योंकि आप उनका पक्ष भी रख रहे हैं, तो बताइए मुझे भी जानकारी हो जाए कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को वो लाभ मिल रहा है। देखिए, तारीफ करना अलग चीज है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की सरजमी पे मुझे लगता है अगर राय भर भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो जिला पंचायत का जो रिजल्ट था उसमें कहीं ना कहीं इनको बढ़त मिलती। आपको मैं उदाहरण के तौर पे एक चीज बता देता हूँ, एक एक्सप्रेसवे बनाने में मुझे लगता है हम लोगों ने तो 22 महीने में बना दिया था, हो सकता हो योगी जी की सरकार 3 साल में बनाते, 4 साल में बनाते। एक छोटा सा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 4.5 साल हो गए महाराज, कब होगा उद्घाटन उसका? 4.5 साल में एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हो पाया, और उसके बाद दावा किया जाता है। पत्रकारों की बात सुन लीजिए, अभी अपर मुख्य सचिव अभी समझ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा है, महाराज कह रहे हैं थोड़ा डर तय समय पे हो जाएगा, बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहा है, उन्होंने इस बारे में मीडिया को जानकारी भी दिया था, सारे अखबारों में ये बात सामने आई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में उन्होंने अभी इस बात को बताया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में अवनीश कृष्ण अवस्थी जो आईएएस है, अपर मुख्य सचिव है, उन्होंने इस बारे में मीडिया को अवगत कराया था। मैं अपनी दोस्ती जी से शिकायत करूं, आपके प्रमुख सचिव जी से बात करूं, अरे मुख्यमंत्री जी से जवाब लिया जाएगा, जिम्मेदार जनता चुनकर किसको भेजती है, किसी आईएएस अधिकारी को नहीं भेजती है, नहीं नहीं, तो वो सरकार के ही तो नुमाइंदे हैं, सरकार के ही द्वारा तो अधिकृत है, तो उन्होंने इस बात को बताया, प्रमुख सचिव जी से जवाब लें, उनसे जाके पूछे, भाई उनसे पूछे क्या, उन्होंने अभी मीडिया को मीडिया के सामने रखा कि वो चिंता बन चुका है, मुख्यमंत्री का उद्घाटन हो जाए नहीं बना, उन्होंने ये बात बताई, जवाब मुख्यमंत्री जी को देना, प्रमुख सचिव जी नहीं देंगे, वो मुख्यमंत्री जी को बता देंगे, महाराज आप पत्रकार हैं कैसी बातें कर रहे हैं, अरे भाई तो मीडिया में तो वही जारी करता है ना, अपर मुख्य सचिव पर आ रहे हो, शौकत अली शासन बैठाएगा, पंकज जी ठीक है, हम शबनम जी से इन बातों का जवाब ले तो मुझे ज्यादा सही लगता है। शबनम जी, क्या लगता है जिस तरह से लगातार ये कहे जो आरोप लगा रहे हैं शौकत अली जी, उनका जवाब दीजिएगा, साथ ही साथ ये भी बता दीजिएगा जो मंत्री परिषद के जो सदस्य है उनमें नाराजगी ये साफ तौर पर है कि उन्हें कार्य करने की जो पूर्णता आजादी नहीं है, तो इसको लेकर भी भारी नाराजगी चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो शौकत अली जी कह रहे हैं कि हमने एक एक्सप्रेसवे बनाया, वो साफ अपनी कार्यप्रणाली बता रहे हैं कि 5 साल में एक एक्सप्रेसवे बनाया, और उसी के ठीक उलट हम 4 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और अगर कुल मिलाया जाए तो 1200-1300 किलोमीटर लंबी हो जाएगी सभी एक्सप्रेसवे को मिला लिया जाए तो। तो आप ये सोचिए, आप एक एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम 4-4 एक्सप्रेसवे का काम कर रहे हैं, आप मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, अभी हमने 30-30 मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, रायबरेली का और गोरखपुर का एम्स आपको मालूम है, रायबरेली के एम्स तो ऐसे लगता है कार्यों का रिपोर्ट कार्ड गई थी, हमने उसको पूरा किया। बिल्कुल शबनम जी, मैं एक दिन इस पर भी चर्चा कर लेंगे रिपोर्ट कार्ड्स पे, लेकिन आज जिस तरह के जो मंथन हो रहे हैं, क्योंकि उस पर चर्चा करना बहुत अहम हो जाता है, तो आज भी सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री से भी बैठक हुई, इसके बाद जेपी नड्डा से भी बैठक हुई, तो इस बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये सुनिश्चित कर दीजिए।
कीर्ति जी, इसको भी सुनिश्चित करूंगी। और एक बात और बोलना चाहूंगी कि दिलीप जी ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी को हाशिए पे रखा गया, साइडलाइन किया गया। अगर डिप्टी सीएम पद देना साइडलाइन होता तो मैं सोचूंगी कि शायद किसी राजनीतिक दल में किसी भी कार्यकर्ता से बोलिए, नेता से बोलिए, विधायक से बोलिए, तो कहेगा मैं ऐसा साइडलाइन होना पसंद करूंगा कि मैं डिप्टी सीएम बन जाऊं। मुख्यमंत्री तो नहीं, बड़ा कद है, एक बड़ा पद है, एक बड़ा सम्मान है, और उसको ये साइडलाइन कहते हैं। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी में कमियां होती तो निश्चित तौर पे हम 2014 के बाद कोई चुनाव नहीं जीत पाते। 17 भी जीतते हैं, 19 भी जीतते हैं, उपचुनाव भी जीतते हैं। और जहां तक कोरोना की बात होती है तो ये आपदा ने अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, तमाम ऐसे देश जो कि विश्व के अगर रैंकिंग होती थी तो स्वास्थ्य सेवा में बहुत अव्वल आते थे, भारत की तो उसके सामने हैसियत भी नहीं थी स्वास्थ्य सेवा की। 70 साल जिन्होंने राज किया हो वो भी इस पे दम भर नहीं सकते कि नहीं 70 साल में हमने ऐसा खड़ा कर दिया और वैसा खड़ा कर दिया। आज 7 साल की सरकार पे लगातार आरोप लगाते हैं, लेकिन 70 साल की सरकार पे कभी सरकार वाले ही आरोप लगाते हैं पर अपनी करनी को नहीं बताते हैं। लेकिन सरकार संगठन के बीच तालमेल नहीं स्पष्ट हो पा रहा है, साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। नहीं देखिए, पूरी तरीके से तालमेल अच्छा, और तालमेल को बताने का तरीका भी देखिए कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का संगठन केंद्रीय संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है तो ये तालमेल आप देखिए। और ठीक इसी तरीके से जैसे आपको मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का तालमेल दिख रहा है, उसी तरीके से कार्यकर्ता से लेके मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तालमेल है। ये सारी कहानी, सारी अटकलें कहीं ना कहीं अपने मन को सांत्वना देने के लिए विपक्ष की बनाई हुई है। हमारे पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य चल रहा है, अगर कहीं कुछ खटपट है होती लेकिन भी मनोबल है, गिरा हुआ है पदाधिकारियों का। ठीक है, मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं शबनम जी गिरा हुआ है पदाधिकारियों का, इसी वजह से ये सारी चीजें और ये सवाल वहीं से उठते सारे हैं। सारे पदाधिकारियों ने कोरोना के समय सेवा ही संगठन, जो हमारे संगठन की तरफ से कोरोना में सेवा करने का किया, हम सभी ने। मैं आपको बताती हूँ, मैं यूनियन मिनिस्टर संतोष गंगवार को, यूनियन मिनिस्टर संतोष गंगवार को अपने ही सरकार के खिलाफ पत्र लिखना पड़ा। और कितने ऐसे लोगों के नाम बताऊं, और कैसे कितने लोगों के मैं आपको पत्र बताऊं जिन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। अगर कोई कमियां रहेगी तो उस पर अगर सरकार के नुमाइंदे आवाज नहीं उठाएंगे तो निश्चित तौर पे विपक्ष उठाएंगे, लेकिन हमारे इधर सरकार के नुमाइंदे आवाज उठाते हैं और उसको सही किया जाता है। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम छिपाने चलेंगे तो फिर गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे। इसके लिए तो सब आपसे पूछ रही हूँ कि कारण आखिर क्या है, जो तमाम पदाधिकारियों के मनोबल गिरे हुए हैं वो उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, मनोबल किसी का नहीं, अगर हम परिवार में ही कोई कमियां निकालते हैं परिवार के अंदर तो मनोबल गिरना नहीं होता, हम परिवार को और सामर्थ्यवान बनाने के लिए कमियां निकालते हैं। वैसे ही सरकार में बैठे, चाहे सरकार या संगठन में, आज मुझे संगठन से कुछ होगा मैं उस कमियां को बोलूंगी, उससे मैं अपने संगठन को मजबूत करने का मेरा इरादा होगा, यही इरादा हर नुमाइंदे का होता है। तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हम उंगली उठाते हैं तो इसका मतलब कुछ गलत है, कुछ गलत होगा, कुछ खराब। लेकिन जब हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, हम जिस जगह बैठे हैं अगर हम अपने अधिकारों को लेकर विकास की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं तो हमारा मनोबल गिरता है, ये भी मनोबल गिरना ही कहते हैं। ठीक है दिलीप जी, मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, डिप्टी सीएम का पद मिला केशव प्रसाद मौर्य को तो साइडलाइन कैसे हो गए, क्योंकि तैयारियां तो वो मुख्यमंत्री पद के लिए कर रहे थे। डिप्टी सीएम का पद कोई पद नहीं होता है, और बात पद की नहीं होती है, बात होती है कि आपको कितनी अथॉरिटी है और आपका जनता से संवाद कितना ज्यादा होता है और आप पब्लिक को कितना सर्व कर पाते हैं। वो सर्व केशव मौर्य जी नहीं कर पाए। डिप्टी सीएम का पद उनके साथ साथ एक जने और को भी दिया गया था, वो भी डिप्टी सीएम से, दो दो डिप्टी सीएम, तो किसको पावर ज्यादा थी, किसको वेटेज ज्यादा थी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इनके पास, क्या एडिशनल इनको बेनिफिट दिया गया, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। अगर दिया गया होता तो ये नाराजगी नहीं होती, और अगर नाराजगी नहीं होती तो इलेक्शन के टाइम पर फिर ये मान मनोबल क्यों चल रहा होता,
फिर क्यों उनको अपलिफ्ट करने की बात हो रही होती, फिर क्यों उनको अध्यक्ष बनाए जाने की कयास लगाए जा रहे होते, फिर क्यों होता है कि भाई पिछड़ी जाति के लोग नाराज हैं, केशव मौर्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगर ये सारी बातें हो रही हैं और पिछले 5 सालों में हमने देखा भी कि केशव मौर्य जी का ऐसा कोई बहुत अहम भूमिका नहीं रही है इस सरकार के अंदर, ठीक है वो डिप्टी सीएम रहे हैं, पद रहा है उनका, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। जो भूमिका आम विधायक मंत्रियों की थी वैसे ही भूमिका उनकी भी रही है। तो कहीं ना कहीं मान लेना कि जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले चुनाव में जाति समीकरण बैठा के जाति समीकरण में बड़ा ज्यादा उनका योगदान रहा था, तो उसी के लिए उनकी आवभगत चल रही है या उन्हें मनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी नाराजगी है? नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि दिख गया आपको, और जो पंचायत के चुनाव हुए उसके जो नतीजे आए उसमें भी ये दिख गया कि जो इंटीरियर का है जहाँ पर सरकार फ्री राशन भी बांट रही है, लोगों के खाते में पैसा भी दे रही है, लोगों को उन्होंने घर भी बनवा के दे दिया, लोगों को उन्होंने शौचालय भी बनवा करके दे दिया, उनका जनधन योजना का खाता भी खुलवा दिया, उसके बावजूद केंद्र और प्रदेश में सरकार होने के बावजूद भी पंचायत चुनाव में आप टाइटाएं फिस हो गए, तो टाइटाएं फिस हो जाने का कहीं ना कोई कारण तो रहा होगा। और 2017 में अगर आपकी सरकार इतने बहुमत से जीत करके आई थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं उसका रोल रहा होगा। तो ये आकलन तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अच्छे तरीके से किया होगा। ये डिफरेंस अगर आया है तो क्यों आया है? नहीं बन पा रहा है दिलीप जी, ये मोमेंटम कैसे बनेगा? आपके घर के 10 लोगों में से 6 लोग 7 लोग नाराज होंगे तो कैसे मोमेंटम बनेगा? ठीक है, जैसे मैंने कहा ना, त्योहार आ रहा है, आज सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, सबको कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया जाएगा, सबको कुछ ना कुछ आगे का भविष्य दिखाया जाएगा कि भाई अब की 2022 में बनते ही आपको ये दिया जाएगा। वरना ये बताइए, इलेक्शन इतना करीब है, कुछ महीनों बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो इस समय अगर आप किसी को मंत्री मंडल में शामिल कर रहे हैं और आप किसी को कहीं का चेयरमैन बना दे रहे हैं, कहीं का अध्यक्ष बना दे रहे हैं, तो ये क्यों बना दे रहे हैं? इसका मतलब आपके मन में डर है कि अपने लोगों को ऑब्लाइज नहीं किया तो इलेक्शन में वो हमारा साथ नहीं देंगे, ये तो साफ से लग रहा है। उसके ऊपर से दिलीप जी ये भी नहीं समझ में आ रहा ना कि इस बार अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य माफ कीजिएगा बोलते हैं कि अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, तो अलग अलग बयानबाजी, जिसको जो मौका मिलता है, जो आज की मीटिंग हुई उस आज की मीटिंग में जो एक मेन क्रक्स निकल गया है वो आदमी ने मीडिया में बयान दे दिया, कल को प्लानिंग चेंज हो गई। क्योंकि ये तो सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंततः वही होता है जो ऊपर के लोग चाहते हैं। इसमें आरएसएस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, संगठन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आज अगर मुख्यमंत्री जी कोई बयान दे दें, केशव प्रसाद मौर्य जी कोई बयान दे दें, तो उनके इंडिविजुअल बयान की कोई कहीं कोई वैल्यू नहीं है, या वो बयान स्टैंड भी करेगा कि नहीं करेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो ऊपर से बदलाव होगा, जो ऊपर से डायरेक्शन दिया जाएगा, उसी हिसाब से सारी चीजें होती हैं। आप देखिए, अभी कुछ दिनों पहले जो आरएसएस के बड़े पदाधिकारी थे उनकी लगातार 3-4 दिनों तक मीटिंग चली, यहाँ पर संगठन के लोगों के साथ चली। तो इसका मतलब है कि ये जो दो डायरेक्टर्स हैं भारतीय जनता पार्टी में, दो डायरेक्टर्स हैं, ये सिंगल डायरेक्टर की मूवी नहीं है, दो डबल डायरेक्टर मूवी है। तो जो डबल डायरेक्टर मिल करके वो भी ऊपर से डिसाइड होगा, वो नीचे के लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, वो चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो चाहे योगी जी हो। बस ये है कि ऊपर का नेतृत्व तो भी सारे समीकरण देखता है कि हमें जातीय समीकरण भी देखना है, हमें सांप्रदायिक समीकरण भी देखना है, और ये सारी और यही देखा जाता है, अंततः यही देखा जाता है। क्योंकि काम तो 5 साल में कोई सरकार ऐसा करती ही नहीं है। अगर कोई भी सरकार 5 साल में इतना काम करे तो उसको कॉन्फिडेंस होगा। अगर विधायक ने क्षेत्र में सर्विस दी होती, क्षेत्र के लोग खुश होते, मंत्री ने अपने मंत्रालय में ठीक से काम किया होता। तो इस वक्त जरूरत पड़ गई है इन हाई लेवल मीटिंग्स की, और इन्हीं सब चीजों को कैसे अब कम किया जाए, जनता पर एक बार फिर से कैसे भरोसा बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चाएं जरूरी है। पंकज जी क्या लगता है आपको? ठीक है, मैं दिलीप जी आप पर आऊंगी। पंकज जी आपको क्या लगता है, जिस तरह से लगातार जो हम देख रहे हैं कि जातीय समीकरण बैठाने की जरूरत बन रही है, तो जातीय समीकरण ओम प्रकाश राजभर को एक बार अपने खेमे में कोशिश आई नजर आई, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनका ट्वीट आया तो उसे साफ लगा कि अभी भी नाराजगी बनी हुई है। तो राम अचल राजभर को लेकर क्या पूर्वांचल में अपने राजनीति माफ कीजिएगा राम अचल की बात कर रही हूँ मैं, उनको लेकर क्या जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, देखिए, जैसा कि बसपा ने उनको, जो बसपा के वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वो और लालजी वर्मा जो बहुजन समाज पार्टी के सदन विधानसभा में सदन के नेता थे, दोनों को मायावती जी ने निकाल बाहर कर दिया। तो सीधी सी बात है कि वो किसी ऐसे दल में जाना चाहेंगे, और पहले से जुगल किशोर यहाँ पर पहले ही से हैं, जो भी जो पहले वहाँ के खेवनहार कहे जाते थे, बहुजन समाज पार्टी के नायक थे और मायावती जी के बहुत खास थे, वो ऑलरेडी क्या नाम भारतीय जनता पार्टी में है।
तो इसलिए लोगों की आशाएं का केंद्र बिंदु भारतीय जनता पार्टी ही बन चुकी है, तो ये तो तय मान के चलिए। और दूसरी चीज, 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई, लेकिन मैं भी आकलन करता रहता हूँ, लेकिन क्या नाम है, कार्यकर्ताओं में जो कार्यकर्ता पहले थे वो आज भी हैं, कार्यकर्ताओं में भगदड़ की स्थिति नहीं होती है। लाख कार्यकर्ताओं, भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा के ही साथ रहता है, ये नहीं है कि उसकी निष्ठाएं बदल जाए, वो बसपा में चला जाए, सपा में चला जाए, कांग्रेस में चला जाए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी निष्ठाएं बदलते हैं, ज्यादातर लोग जो, अगर बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है तो उसके कार्यकर्ताओं का भी एक कैडर है, वो उनकी बात में थोड़ी बात सुनी जाए ना सुनी जाए वो शीर्ष नेतृत्व को बताते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते नहीं है। उसी का नतीजा है कि कौन व्यक्ति कहां उपकृत हो जाए, कि कौन कहां उसको जिम्मेदारी दे दी जाए, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और रहा सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य जी का, केशव प्रसाद मौर्य जी 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 300 के ऊपर सीटें प्राप्त की। मोदी जी तो शीर्ष थे ही, मोदी जी का भी जादू चला और जनमानस ने उनको समझा। 2014 में उन्होंने केंद्र में सरकार बनाई, उसका भी असर रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके चलते केशव प्रसाद जी को डिप्टी सीएम बनाया गया और एक बहुत बड़ा विभाग, सार्वजनिक उद्यम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा। उन्होंने स्वच्छंद रूप से उसमें कार्य किया, उसमें मुख्यमंत्री किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते। नाराजगी तो केशव प्रसाद मौर्य की साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है ना, ये बात अब तय मान के चलिए, ऐसा नहीं है। तो नाराज ठीक है, बहुत से मुद्दे हैं, देखिए आदमी की विचारधाराएं हैं, और भारतीय जनता पार्टी में लोगों को जैसा दिखाई देता है बोलने का पूरा अधिकार है, जैसा कांग्रेस वगैरह ने दलों में नहीं है, तो इसलिए बहुत से लोग अपनी बातों को रखते हैं। ठीक है, वो सुझाव है उनका, उन्होंने रखा, अब वो नेतृत्व का तय करना है। और भारतीय जनता पार्टी में चूंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो डिसाइड करते हैं कि क्या चीज है। और दूसरी बात अगर आप कहिए अमित शाह जी का, तो अमित शाह जी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अमित शाह ने बीजेपी को खड़ा करने में पूरे देश में 718 जिलों में एक एक कार्यालय बनवा दिए। नेतृत्व की कमी है ना पंकज जी, तो ये बात नेतृत्व की कमी है, ये नेतृत्व की कमी नहीं है। उनको 2024 में कभी तो डिसाइड नहीं हो पा रहा, ये भरोसा नहीं हो पा रहा ना कि अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा। भाई उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष अधिकृत है, उसने पहले ही कह दिया, स्वतंत्र देव सिंह ने कह दिया कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। योगी जी ने खुद भी कह दिया कि हमारे ही नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो उसमें किस बात का पवो है, उसके लिए कुछ नहीं है। और रहा सवाल, देखिए कार्यकर्ताओं में, विधायकों में, हमने आपको फिर कहा कि कार्यकर्ता विधायक बनता है, विधायक से मंत्री बनता है। शौकत अली जी पर मैं जाना चाहूंगी, महत्वाकांक्षाएं हैं, इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए ठीक है, ये देखना है बिल्कुल। ये अगर आप कह रहे हैं नेतृत्व और किस तरह से संगठन ने मजबूत किया है, बिल्कुल सभी पार्टियों में दौर चलता है, लेकिन 6 महीने बचे हैं और इस तरह से सुगबुगाहट आती है तो सवाल पूछना भी बनता है पंकज जी, उसी पर चर्चा हो रही है। शौकत अली जी, क्या आप अनुप्रिया पटेल अभी फिलहाल अखिलेश यादव के संपर्क में है, तो इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए वो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, अब अंदर जो भी बात हुई वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्या बातचीत हुई क्या नहीं हुई। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही है तो महाराज जो ये तमाम आवाजें उठ रही हैं, ये कौन लोग हैं भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुप्रिया पटेल जी का तो स्पष्ट कर दीजिए पहले। मिर्जापुर से सांसद है और बीजेपी अपना दल में इस बार शामिल हो रही है, क्या अपना दल से वो इस बार समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी? बीजेपी का घटक ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, जो फैसला होगा राष्ट्रीय नेतृत्व को आपको बता दिया जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत चर्चाएं तो चल रही है, संपर्क में तो है ना कहीं ना कहीं। अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा वो आपको जानकारी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार हम ये पूछ रहे हैं कि इस बार एकला चलने का आपका विचार है या फिर छोटे दलों को आप लेकर एक बड़ी लेके आएंगे? ठीक है, शबनम जी पर मैं जाती हूँ, शबनम जी से मैं पूछना चाहूंगी। शबनम जी, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देखते आए हैं 5 राज्यों के अभी चुनाव हुए और अभी फिलहाल जितिन प्रसाद का बीजेपी में आना, तो कहीं ना कहीं अपने दल के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उन पर भरोसा कम हो गया है, जो जातीय समीकरण साधने के लिए बाहर से मंत्रियों को इकट्ठा किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो पका पकाया खेमा है जितिन प्रसाद का। देखिए सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ, अगर आप जातीय समीकरण की बात करती हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लेके सरकार तक में उस जाति के नेता नहीं है क्या, मंत्री नहीं है क्या? निश्चित तौर पे बहुत ही मजबूत नेता और मंत्री भारतीय जनता पार्टी में ऑलरेडी हैं।
पर भारत की राजनीति की एक खूबसूरती प्रश्न मेरा इसीलिए था कि जितिन प्रसाद को शामिल करना उसके बाद अनुप्रिया पटेल के साथ यही मैं बता रही हूं। हालांकि ये तस्वीरें अलग अलग आई थी लेकिन हवाले सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि योगी आदित्यनाथ अमित शाह और अनुप्रिया पटेल की ये मीटिंग एक साथ ही हुई थी। देखिए इस पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भारत की राजनीति की खूबसूरती यही है कि अगर कोई राजनीतिक दल जिस मकसद से उस दल को बनाया गया वो उस मकसद को पूरा नहीं करता और उसमें जो सदस्य या नेता जो भी हैं वो वहां घुटन महसूस करते हैं तो वो आजादी के साथ भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ये आजादी देती है कि वो दूसरे दल में जा सकते हैं। भले ही विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को नकारा बोले उसके उस पर 10 आरोप लगाए लेकिन दिल से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस ईमानदारी के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के सुविधाओं का उनकी आकांक्षाओं का ध्यान रखती है इसी से प्रेरित होके राष्ट्र धर्म का पालन और समाज सेवा का पालन करने हेतु कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद जी भी आकर्षित होकर आए हैं। जाति और धर्म की बात करना गलत होगा क्योंकि अगर देखा जाए तो उस जाति के उस धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी में बेशुमार हैं और हमें किसी भी जाति को हमने अलग थलग नहीं रखा, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के तहत लगातार काम किया है। इसलिए हम इस विश्वास के साथ चलते हैं कि सभी जाति धर्म हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं। और अगर आप इसको बार बार किसी बड़े शीर्षस्थ नेता का विपक्ष से हमारी पार्टी में आए और ये कहें कि वो जातियों को साधने का है तो निश्चित तौर पे ये गलत होगा जी, क्योंकि तो आप जानती हैं सारी तैयारियां जो है सारी चर्चाएं मंथन आला कमान की तरफ से हो गए हैं, साइन तक हो गए पेपर्स, बस अब ये सुनिश्चित करना है कि इंप्लीमेंट कब होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के आते ही यहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा और उस पर तमाम चीजों पर जो अटकलें लगाई जा रही है उस पर पूर्ण विराम भी बहुत जल्द लगेगा लेकिन कुछ समय ही बाकी है सिर्फ, तो आला कमान से फरमान आने में कुछ देर ही बचे, ये तो आप भी मानेंगी ना। देखिए मंत्रिमंडल में 6 पद निश्चित तौर पे खाली है, हमारे कुछ मंत्रीगण कोरोना के चपेट में आकर उनकी मृत्यु हुई है, पद खाली है, लेकिन उसका विस्तार अभी होगा या नहीं होगा इस पर अभी कोई चर्चा संगठन के अंदर नहीं हुई है और मंत्रिमंडल के अंदर नहीं। मैं पूरी तरीके से चुनाव की चर्चा, संगठन की चर्चा, सरकार की चर्चा करने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर रवाना हुए और उनकी जो ये शिष्टाचार भेंट है वो बहुत ही सफल रहा। उन्होंने अपने ट्वीट से बार बार इस बात को बताया, हर किसी के साथ आखिरी दौरा था इसलिए ये तो कल तो सुनिश्चित हो ही जाएगा या आज शाम तक ही सुनिश्चित हो जाएगा कि ये शिष्टाचार। ये भी बहुत अटकलें लग रही थी कि मुख्यमंत्री जी का दिल्ली के नेताओं के साथ खटपट चल रही है तो शायद उस पर तो विराम लग गया ट्वीट और फोटो देख के, अब जो आगे चर्चाएं और अटकलें अफवाहें हैं उस पर भी विराम लगना जल्दी ही लग जाएगा। तो मैं कह रही कुछ ही वक्त बाकी है तो उस पर पता चल जाएगा। दिलीप जी क्या लगता है आपको, लगातार मैं जो कह रही हूँ जातीय समीकरण वो आप समझ रहे होंगे कि मैं किन वजहों से कह रही हूँ, क्योंकि जितिन प्रसाद मैं एक बार फिर से ये कर दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी काफी ज्यादा पैठ है इसको तो मानना ही पड़ेगा, साथ ही ओम प्रकाश राजभर की जगह राम अचल को जिस तरह से अब अपने खेमे में करने की कोशिश की जा रही है तो ये भी तो एक तरह से कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश है और अनुप्रिया पटेल तो सामने ही है, मुलाकात की तस्वीरें ठीक है। पंकज जी आपको क्या लगता है लास्ट कमेंट किस तरह से आप देख रहे हैं इस बार, क्या सीएम योगी के योगी आदित्यनाथ के आते ही किस तरह से नई जो आला कमान से फरमान है वो किस तरह से फरमान हो सकते हैं सामने आ सकते हैं? देखिए ये एक शिष्टाचार भेंट कह लीजिए या वो या इन चीज़ों पे विराम की बात कह दीजिए कि जिस तरह से तमाम चर्चाओं का दौर चल रहा था कि सोशल मीडिया पर कि योगी जी रिप्लेस हो रहे हैं, दूसरा मुख्यमंत्री आ रहा है, इन सारी चर्चाओं पे और मोदी जी से बात नहीं हो रही है, मोदी जी ने उनको उनकी उनके जन्मदिन पे बधाई संदेश नहीं दिया, तो आपको बता दें कि मोदी जी ने किसी को नहीं दिया, ये तमाम नेताओं के जन्मदिन थावरचंद गहलोत से लेके सबके जन्मदिन थे मई में लेकिन किसी को उन्होंने बधाई नहीं दिया, तो उसी कड़ी में योगी जी को भी नहीं दिया, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। और सोशल मीडिया की चीजों को विराम लगाने के उद्देश्य से और उत्तर प्रदेश में मजबूती कराने के उद्देश्य से ये जो है ये सारी कवायद हो रही है और 2022 के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सारी कवायद हो रही है। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से लगातार ये 2 दिवसीय दौरा था सीएम योगी आदित्यनाथ का, इसके पीछे कई अटकलों का बाजार गर्म है, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है कि अब उनके आने के बाद जो फरमान जारी किया गया है आला कमान के द्वारा वो उसे
कितने दिनों में धरातल पर उतारा चाहता है और क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं राजनीतिक समीकरण साधने के लिए? कौन से बड़े चेहरों को अब बीजेपी में शामिल किया जाएगा और कौन से मंत्री उनको पद सौंपे जाएंगे, इस पर भी बड़ी चर्चा आज हमने उसको आगाज दिया और आपने जाना यूपी की सियासत के बारे में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।